चीन को पीएम मोदी के इस चैलेंज के पहले हमने पाकिस्तान की परमाणु धमकी की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखाना भी जरूरी है, इसलिए हम दोबारा इस खबर पर लौटे हैं। भारत जैसे विशाल और ताकतवर देश को पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान असल में खुद कितने पानी में है इसकी हकीकत पड़ोस में तालिबान ने बता दी। पाकिस्तान की सेना का हाल यह है कि वो तालिबान के लड़ाकों तक को नहीं हरा पा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक तालिबान के हाथों पिटकर भाग रहे हैं। पाकिस्तान भारत को हराने के सपने देख रहा है और उधर छोटा सा देश अफगानिस्तान उसकी सेना को पीट रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर बम और मोर्टार से हमले कर रहे हैं। सबसे ताजा हमला गुरुवार को अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद चमन इलाके में हुआ। तालिबान ने चमन के रिहायशी इलाके में मोर्टार दागे। इस हमले में एक शख्स मारा गया और 11 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक तालिबान से हारने के बाद नागरिकों के बीच जाकर छिप गए थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाकर तालिबान ने मोर्टार दागे। इससे पहले 11 दिसंबर को चमन बॉर्डर पर ही तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच झड़प हुई थी। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर भारी बमबारी की थी। हमले में पाकिस्तान के 7 लोग मारे गए। पिछले कुछ महीने में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, जंग जैसी लड़ाइयां हो रही हैं। आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कहां तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प चल रही है। अफगानिस्तान के कंधार और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बीच जो सीमा है वहां पर तनाव। बॉर्डर पर मौजूद चमन इलाका पाकिस्तान की तरफ है और स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान की तरफ मौजूद है। इन्हीं दोनों बॉर्डर इलाके पर झड़प हो रही है। चमन बॉर्डर से ही दोनों देशों के बीच कारोबार होता है। अब सवाल उठता है कि तालिबान क्यों पाकिस्तान के खिलाफ सिर उठा रहा है, क्यों तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान की घुसपैठ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद अब भी कायम है। तालिबान डूरंड लाइन को नहीं मानता है, जिसे पाक अफगान सीमा कहा जाता है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के ज्यादातर हिस्से अफगानिस्तान के हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इन इलाकों को वापस सौंप देना चाहिए। को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो तालिबान को कमजोर कर सके। तो इस तरीके के जो अनेक मुद्दे हैं उसकी वजह से अफगानिस्तान और तालिबान के संबंधों में खटास आती जा रही है, और जाहिर है कि पाकिस्तान ने तालिबान को काबुल की सत्ता में बिठाने का जो कार्य किया है वो उसके लिए भस्मासुरी साबित हो रहा है। खास बात यह है कि हिंदुस्तान जैसे शक्तिशाली सेना को हराने का ख्वाब देखने वाली पाकिस्तानी सेना तालिबान के लड़ाकों से डर कर भाग रही है। आपको कुछ दिन पहले की एक घटना बताते हैं। पाकिस्तान की सेना चमन बॉर्डर से सटे शेख लाल मोहम्मद सेक्टर में एक बैरक की मरम्मत करना चाहती थी, लेकिन ये तालिबान को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ये बैरक अफगान जमीन पर बना हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के कदम का विरोध किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने और ज्यादा सुरक्षा बलों को बुलाकर तालिबान के लड़ाकों को खदेड़ दिया, लेकिन तालिबान भी कहां पीछे हटने वाला था। उसने जबरदस्त पलटवार किया। तालिबान के लड़ाकों ने इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तानी सैनिक उस बैरक को छोड़कर अपनी सीमा के अंदर भाग खड़े हुए। कुछ सैनिकों ने आबादी वाले इलाकों में पनाह ली, जिसके बाद तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सीमा में भी घुस गए। पिछले साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा किया था, तब पाकिस्तान को लगा कि तालिबान उसकी हर जायज नाजायज हरकतों को बर्दाश्त करेगा। उन्हें लगा कि तालिबान की सरकार पाकिस्तान की जी हुजूरी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान ने अपने घरेलू मामलों में पाकिस्तान के किसी भी तरह के दखल को बर्दाश्त नहीं किया। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि तालिबान की सरकार पाकिस्तान में एक्टिव तहरीक के तालिबान के लड़ाकों को पनाह देती है।
पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान ने अपना वादा तोड़ दिया है। ये उनका वादा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनका वादा पूरी दुनिया से है। उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ये वादा किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर वो इसके ऊपर अमल करते हैं तो वो इट इज़ नॉट ओनली इन द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि वो इन दैट इज इन देयर ओन बेनिफिट। उन्होंने आखिर दुनिया के साथ चलना है। पाकिस्तान की हर सरकार तालिबान को मुस्लिम देश होने के नाते मदद करती रही, पर अब तालिबान ने ही उस पर बंदूक तान दी है। इसलिए पाकिस्तान को बिन मांगी सलाह है कि वो हिंदुस्तान को धमकी देनी बंद कर तालिबान को संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।